सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीद सैनिक के परिजनों से घर मिर्ची एकत्रित करने के लिए डोईवाला ब्लॉक से सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये शहीद सैनिक सम्मान यात्रा अभी पिछले दिनों सवाड़ गांव, जो चमोली जिले का सीमांत क्षेत्र का गाँव है, जब मैं इस गाँव में गया था तो वहाँ पर 88 सैनिक उस दिन भी सेना में रह करके देश की सीमाओं पर तैनात थे। और सवाड़ से यात्रा पिछले दिनों प्रारंभ हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन सब लोगों ने सवाड़ गांव से इस यात्रा का शुभारंभ किया। अभी दो दिन पहले कुमाऊं से माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री जी और रक्षा राज्य मंत्री जी, इन्होंने इस यात्रा का शुभारम्भ किया है। अब उसी चरण में आगे ये अलग अलग विकास खंडों में शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी ये शहीद स्थल के लिए जाएगी। यह यात्रा डोईवाला ब्लॉक के सभी शहीद सैनिकों के घर तक पहुंचेगी और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके आंगन की मिट्टी एकत्रित करेगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने देश की आन बान और शान के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उत्तराखंड के अनेकों सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ऐसे में सभी सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग के बल पर आज यह देश सुरक्षित है। उन्होंने साथ ही कहा कि उत्तराखंड को वीर भूमि भी कहा जाता है, जिसके चलते शहीद हुए सैनिकों की शहादत को स्मृति के रूप में संजोने के लिए उत्तराखंड में सैनिक धाम बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सैनिक धाम के निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से मिट्टी एकत्रित कर सैनिक धाम के निर्माण के उपयोग में लाई जाएगी, जो भावनात्मक रूप से बहुत ही सराहनीय है। 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में पूरे प्रदेश में सैनिक सम्मान यात्रा भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश की तरफ से निकाली जा रही है, और उसका कार्यक्रम आज डोईवाला ब्लॉक सभागार में है, जिसमें हमारे स्थानीय विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी और जो हमारे तमाम सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं सेना के, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ से ये सैनिक सम्मान के लिए डोईवाला से मिट्टी कलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर आगे अपने दूसरे उस पर जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के जितने भी सैनिकों ने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनके सम्मान में उनके घर जाकर के उनके घर आंगन की पवित्र मिट्टी को कलश में हम सैनिक कल्याण विभाग और सब एक्स भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से उस पवित्र मिट्टी को इकट्ठा करेंगे और ये पवित्र मिट्टी सैन्य धाम बुनियाल गांव देहरादून में सभी जिलों से आएगी और वहां पे जो है इस मिट्टी का यूज जो है सैनिक धाम के निर्माण में किया जाएगा। डोईवाला से आज